11 अप्रैल के भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फिर से केस के माध्यम से दमन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते नहीं हैं, आप दम है कितना दमन में तेरा देख लिया है, देखेंगे, करते रहिए केस, करते रहिए मुकदमा, हम आपके दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे और आपके जन विरोधी नीतियों का भी का विरोध करते ही रहेंगे जब तक आपको सत्ता से हम बाहर ना करेंगे। तंत्र में अपनी बातों को रखने का, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, ये हमारा देश का संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप आंदोलन के आड़ में अगर आप अराजकता फैलाना चाहते हो, आप देखें कि जिस प्रकार सचिवालय घेराव के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्थले, शराब की खाली बोतलें, पानी का भरा बोतल प्रशासन के ऊपर फेंका जा रहा था और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता के सामने, तो इसका ये मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं उसको प्रवोक कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को आप उकसा रहे थे कि आप प्रशासन के ऊपर फेंको। तो जब ये मामला वीडियो फुटेज में या आप लोगों के द्वारा दिखाए गए फुटेज में सामने आई तो प्रशासन उसकी जांच कर रही है और स्वाभाविक तौर पे उस जांचों उपरांत जिन जिन लोगों का चेहरा दिख रहा है प्रशासन और शासन उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो हमें यह लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत नहीं किए हो तो ठीक है, अगर गलत किए हो तो आप सजा से भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि इस राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।